नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का कैबिनेट विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि पहले कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल मची हुई है। राजस्थान कांग्रेस का सियासी पारा अब भी चढ़ा हुआ है। सचिन पायलट को दिल्ली बुलाने और पायलट गुट के बागी विधायकों को मंत्री बनाने की अटकलों के बाद भी राजस्थान की सियासी सरगर्मी कम होती नहीं दिख रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर बात और मुलाकात का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन एक बार फिर मंगलवार रात जयपुर पहुंचे हैं, जहां वो दो दिन रहकर कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। मीडिया खबरों के मुताबिक अजय माकन आज और कल यानी 28 और 29 जुलाई को विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। सबसे पहले जयपुर के विधायकों से बात होगी, उसके बाद अन्य विधायकों के साथ भी राय शुमारी करेंगे। इन दो दिनों में माकन पार्टी के करीब 118 विधायकों से मुलाकात करेंगे। इनमें गहलोत समर्थक 13 विधायक व निर्दलीय भी शामिल हैं। एक विधायक के साथ 6 से 7 मिनट बात होगी। विधायकों से राय शुमारी से पहले माकन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। बता दें कि राजस्थान दौरे पर जाने से पहले अजय माकन ने दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात की थी। सचिन पायलट किसी काम से दिल्ली आए हुए थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर माकन और पायलट के बीच चर्चा हुई है। दरअसल कांग्रेस राजस्थान में पिछले 1.5 साल से जारी सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत गुट की लड़ाई के समाधान में जुट गई है। कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश पायलट गुट को संतोष करने की है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया खबरों में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट गुट को कैबिनेट विस्तार में बड़े पद मिल सकते हैं। इसके अलावा उनके समर्थकों को लोकल बॉडी में भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। खबरें ये भी हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस नई भूमिका में ला सकती है। उनको पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है और गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, केवल कयासबाजी ही चल रही है। अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल सभी को इंतज़ार गहलोत कैबिनेट के होने वाले विस्तार की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।